दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के चलते इस परिवार के एक सदस्य की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब इस घर के मालिक ने घर की बेसमेंट में भरे सीवर के पानी को निकालने की कोशिश की और इसी के चलते उन्हें करंट लगा और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कल क्या हुआ आपके हस्बैंड के साथ दुखद घटना? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मेरा पति और इनका पापा अब नहीं है। दरअसल पिछले कई दिनों से तुगलकाबाद एरिया के गली नंबर 10 में सीवर ओवरफ्लो होने के चलते गलियों में और घरों के बेसमेंट में सीवर का पानी भर गया है। लोगों की शिकायत है कि इलाके के विधायक दिनेश मोहनिया, जो खुद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्हें इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। ये मृत्यु जो उनकी हुई है सिर्फ लापरवाही के कारण हुई है। हम पिछले 20-25 दिन से, और 20-25 दिन ये रेगुलर की समस्या है, हम अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि सीवर ठीक कर दो, सीवर ठीक कर दो। सीवर का पानी रेगुलर यहाँ बेसमेंट में जाता है, हम सफाई भी करवाते हैं बार बार, पर वो सीवर का पानी फिर बरसात होती है, फिर ओवरफ्लो होता है, फिर वो बेसमेंट में चला जाता है। जल बोर्ड की लापरवाही, जल बोर्ड के ये सीवर हमेशा फुल रहते हैं, हमेशा भरे रहते हैं, बार बार कंप्लेंट होती है, वो आते हैं और कभी आए तो फॉर्मेलिटी करी और चले गए। नवोदय टाइम्स से इलाके के विधायक दिनेश मोहनिया ने इस मामले में निष्पक्ष विभागीय जांच करने की बात कही है। इस घटना के बाद से ही इलाके के लोग दहशत में हैं। सबको मालूम है कि ऐसा हो गया, सीएम ऑफिस में भी मैंने फोन करके बताया है कि ऐसे ऐसे करंट सीवर की वजह से करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से आरती पांडे के साथ आशुतोष कुमार, नवोदय टाइम्स।